चलो बेटा। क्या? अरे आपके लिए प्रसाद लेकर आया, उसी मंदिर से जिसमें आप जाती थी। सही है, पहले तो बाबा को जेल भेजे फिर ये प्रसाद लेकर आए। तुझे क्या हम बेवकूफ लगते हैं एकलव्य? काकी से मिलने आया। नहीं मिलेंगी वो तुझसे। जा घर जा। घर? वो मेरा घर नहीं है। जहां तू है वही मेरा। इतने बड़े हो गए दोनों लेकिन अब भी बच्चों की तरह लड़ते हैं। इसने जेल भेजा है मेरे बाबा को। ए क्या कुछ खाया तूने सुबह से? ये बस। मैं चाय बना कर लाती हूँ। पोहा खाओ। हाँ हाँ खिलाइए, पोहा खिलाइए। अरे वड़ा पाव मंगवाइए, इसका फेवरेट है। अत्या चाय कॉफी मिल्क शेक सब लेकर आइए। सही है, ये यहाँ अय्याशी करे और मेरे बाबा वो वहां जेल में सड़े। आर्या इतनी बड़ी हो गई है पर गुस्सा अभी तक नाक पे चढ़ा रहता है। काकी आई एम सॉरी, ये सब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। चलिए मैनात्या, जान काका, काकी दावत हो गई है तो चलिए अब जाइए। क्योंकि क्या है ना, हम चार ही हैं जो ये जानते हैं और मानते हैं कि बाबा निर्दोष है और उन्हें निर्दोष साबित करने के लिए कुछ भी करेंगे। तो चलिए जो बाहर से लोग आए हैं चलते बनिए। क्या है ना, हमें थोड़ी प्लानिंग करनी है बाबा को निर्दोष साबित करने के लिए। चलिए आर्या बस करना, चुप खा। मैं जानती हूं तुम अपनी ड्यूटी कर रहे हो, तुम्हारी जगह अंकुश होते तो पक्का यही करते। पर अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ पापा हमारे साथ है ना, इतने सालों के बाद वो अंकुश को वापस लेकर आए तो जरूर सब ठीक करेंगे। चलता हूं काकी। हाँ मैं बहुत जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंच रहा हूँ। अच्छा सुन सैंडी, सत्या और कस्तूरी किसी भी हाल में अंकुश काका से नहीं मिलने चाहिए। I don't trust them. Okay सर। हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा नाजुक पड़ाव पे हैं। नाजुक पड़ाव? क्या नाजुक पड़ाव? नाजुक पड़ाव पापा, बिजनेस में नाजुक पड़ाव। लगातार फंड्स की जरूरत पड़ रही है। डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूंगा। एक फेवर करेंगे क्या? बोलिए ना पापा। तन्मय तो नहीं रहा, अभी तुम मेरे लड़के के जैसे। मैं तो कहूंगा मेरे लड़के से बढ़कर हो।
ये तंगमय का केस तुम जरा देखोगे? पुलिस में पहचान है तुम्हारी, क्या कैसा करना है उसकी भी पूरी समझ है। अब अंकुश इन्वॉल्व है इसमें, तो एक तरफ मेरा भाई हुआ, एक तरफ मेरा लड़का हुआ। अब अगर मैं ये केस में हाथ डालता हूं तो खाली पीली लफड़े खड़े हो सकते हैं। इसलिए मैं चाह रहा था कि तुम जरा देखो ना इसको। ठीक है पापा, इनफैक्ट मैं अभी पुलिस स्टेशन ही जा रहा था, मैं आपको पूरी रिपोर्ट देता हूं। बस इतना ध्यान रखना कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, बचे नहीं। सत्या तहकीकात में इन्वॉल्व नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ है, क्या सत्या को छुपा रहा है? सही, ये घर तेरा भी नहीं है। सलाम चुप रुक। तुम अपने भाई के जाने से उदास हो, किसी और बात से नहीं। और तुम किसी के आने से नहीं, पर किसी के जाने को लेकर तकलीफ में हो। अब खाना खाओ, अच्छा बनाया है पनीर, तुम्हारी आई को अच्छा नहीं लगेगा, पता चलेगा ना। ये जाई बालन ने खाना नहीं खाया है। और आयरा क्या हो गया था कल? वो थीली भी लग रही थी, लगता है किडनैपर ने इसकी ठीक से खातिरदारी नहीं करी। अंकुश है ना, अभी उसके दिन भर गए, अब ऊपर जाने का टाइम आ गया उसका। अभी बहुत फास्ट में जाएगा वो, तो कार्यक्रम खत्म होने वाला है। मुझे यकीन है उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन रिस्की है ये बहुत ही बेटा। आई नो बाबा, ये रिस्की है, हमारे पास बस एक ही रास्ता है, एक ही रात और एक ही मौका। पापा कल वो आपको यहाँ से शिफ्ट कर देंगे बड़ी जेल। पहले एक बार उन्होंने आपको यहाँ से शिफ्ट कर दिया, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। और वो सत्या पक्का मौके का फायदा उठाएगा। वो आपको हार्म करने की कोशिश करेगा, एंड आई कांट लेट दैट हैपन बाबा। बेटा लेकिन ये सब होगा कैसे? मेरे पास फुल प्रूफ प्लान है। गुड़का की अभी शाम के 7 बजे, मैं बाबा को यहाँ से रात के 2 बजे निकालूंगी। हमारे पास पूरे 7 घंटे हैं इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। तुम्हें पता तक नहीं चलेगा एकलव्य कि अचानक एक रात में क्या हो गया, कैसे हो गया। और योगी बैर कैसा चल रहा है पूरा सब कार्यक्रम? व्यवस्थित है ना? अब पुलिस अपना काम कर रही है, एक दो दिन में सब कुछ उगल देगा। उसके हाथ पैर तोड़ दो,
सही थर्ड डिग्री दो, जो कर सकते हो करो, उसकी चीखें मुझे यहाँ तक सुनाई देनी चाहिए। कुछ नहीं पापा, वो अंकुश की वजह से काफी परेशान। इसका नाम सुन के भी कांप जाती है, देखिए ना। मामा आप टेंशन मत लीजिए, एक दो दिन में तोते की तरह उगलेगा वो, उसका लंबा अंदर जाए। उसे मौत की सजा होनी चाहिए। मैं उसे मरा हुआ देखना चाहती हूँ। तुम लोगों की इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। चार घंटे में तो मैं बाबा को जेल से बाहर निकालूंगी। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ। बैठो। तुम मुझे कोस लो, मुझे गालियां दे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सत्या की वजह से तुम्हारे खून का एक कतरा भी नहीं बहेगा। तुम पहले भी झूठ बोल रही थी और आज भी झूठी बोल रही हो। आज भी तुमने एक गुनेगार एक खूनी का साथ दिया। मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें यहाँ तुम्हारे पापा को। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।